हेलो व्यूवर्स, फाइनली बोर्ड के सीबीएसई के एग्ज़ाम जो 12th के थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। जो 10th के एग्ज़ाम थे उनको तो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। ये फैसला आपको कैसा लगता है? रमेश पोखरियाल सर ने अब से थोड़ी देर पहले अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये ट्वीट करा, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि जो 10th के एग्ज़ाम है उनको कैंसिल कर देते हैं हम, और जो बोर्ड के 12th सीबीएसई के एग्ज़ाम है उनको पोस्टपोन कर देंगे। अब बच्चों तुम अभी तो खुश हो लो, बाद में तुम दुख होना या परेशान होना, तैयारी करना और पेपर देना। बट देखो, हमने तुमको बता दिया 10th के तो कैंसिल कर दिए हैं, उनको तो हम मार्क्स देंगे अपने हिसाब से पास कर देंगे। अगर तुमको वाले मार्क्स हमारे अच्छे नहीं लगे तो हमको बताना, हम जब कंडीशन सही हो जाएगी उसके बाद हम तुमको एग्ज़ाम भी दिलवा देंगे, वरना हमारे जो मार्क्स हम तुमको देंगे उससे खुश रहना। ये भी कहा है उन्होंने ट्वीट में अपने। तो अब बच्चों की क्या वो रहती है, गाली मुंह से निकलेगी या जो भी निकलेगा वो बच्चों की प्रतिक्रिया रहेगी। कमेंट सेक्शन में अगर कोई बच्चे इधर मतलब सीबीएसई बोर्ड के 12th के और 11th के हों तो बता देना, मतलब ये क्या हो रहा है कंट्री में, ये बात की बात है। देखो, नरेंद्र मोदी सर ने अपने टॉप लेवल मिनिस्टर्स के साथ ये बैठक आज करी थोड़ी देर पहले, और जिसमें उन्होंने डिसीजन लिया कि हमारे जो बच्चों का फ्यूचर है वो बच्चों का जो स्वास्थ्य है, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से ये बच्चोदी हुई है ना, तो बच्चों का जो स्वास्थ्य है ना इसको तो हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी है बच्चों का स्वास्थ्य। अब उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी हम लेकर चल रहे हैं बच्चों का फ्यूचर। वो फ्यूचर हम कब देखेंगे? हम वो फ्यूचर फ्यूचर में ही देखेंगे, क्योंकि अभी तो कोविड 19 के रीज़न चल रहे हैं ना, तो उसकी वजह से हमने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए। अब आपको ये सब जो रमेश पोखरियाल और जो टॉप मिनिस्टर्स ने ऐसा फैसला लिया है कि जो सीबीएसई के बोर्ड्स एग्ज़ाम है 12th के उनको तो पोस्टपोन करा गया है, और जो 10th एग्ज़ाम है यानी कि सीबीएसई के 10th एग्ज़ाम 10th क्लास के एग्ज़ाम उनको कैंसिल कर दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, कोविड 19 रीज़न। अब ये ऐसा सीबीएसई के एग्ज़ाम्स के साथ क्यों करा? क्योंकि ये ऑल ओवर दी इंडिया होते हैं, इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ बच्चा बैठता है इसके अंदर, इस वजह से पूरे रीजन अपने इंडिया में इसको पोस्टपोन और कैंसिल करा गया। आपको ये आपको ये फैसला कैसा लगता है गवर्नमेंट का, एजुकेशन मिनिस्टर का, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपके दोस्तों को ये चीज़ नहीं मालूम है तो वीडियो को शेयर कर दो, होप के पता चल जाए। जेन्युइन न्यूज़ है, आप जाके ट्वीट चेक कर सकते हो रमेश पोखरियाल सर का। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए बाय।